माननीय श्रीमान न्यायाधीश पधार रहे हैं। हट गया, हट। अरे कोर्ट छोड़ गया क्या? नहीं मिलॉर्ड, कोर्ट अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। तो फिर ये लोग खड़े क्यों? मिलॉर्ड आपके सम्मान में। हाँ सम्मान ठीक है, बैठो बैठो, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। मिलॉर्ड आप भी। अच्छा मिलॉर्ड आज का केस मंत्री सुंदरलाल यादव पर रमोला नाम की लड़की ने केस दायर किया है कि मंत्री जो है वो रमोला के नाजायज औलाद है। मिलॉर्ड मिलॉर्ड, मंत्री जी रमोला जी की नाजायज औलाद नहीं है, बल्कि रमोला जी मंत्री जी की नाजायज औलाद है। ठीक है, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। श्रीमान सुंदरलाल जी हाजिर हो। इधर ही इतना चिल्ला क्यों रहा है? तो मंत्री सुंदरलाल यादव आप अपनी सफाई में क्या पेश करना चाहते हैं? मिलॉर्ड मैं क्या पेश करूं, जो भी पेश करना है ये करेंगे। ये है विभूति नारायण, मेरे वकील है, मेरा केस यही लड़ रहे हैं। विभूति कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड माफी चाहता हूँ। माफी? अभी केस शुरू भी नहीं हुआ और माफी मांगने लगे हो? कोर्ट की कार्रवाई का वक्त है 12 बजे और इस वक्त 12:05 हो रहे हैं मिलॉर्ड, और हमारी वकील साहिबा चंदा रानी नदारत। क्या 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 है? She is missing. I am also missing her. वेलकम चंदा रानी जी, वेलकम। पैंट एडजस्ट कर रहा था इसलिए खड़ा हो गया। चंदा रानी 12:05 हो चुके हैं, आप जरा अपनी घड़ी पे गौर फरमाइए। आपकी घड़ी लगता है वक्त से कुछ ज्यादा ही तेज भागती है मिस्टर विभूति नारायण। मेरी घड़ी में इस वक्त 12:05 कम है। आपकी घड़ी में होंगे लेकिन अदालत की घड़ी में। मिलॉर्ड ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? दिस इज नॉट राइट, घड़ी पीछे कर रहे हैं आप। चंदा रानी जी की घड़ी में 12:05 बाकी है तो कानून की घड़ी में भी 12:05 बाकी है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उतारो नीचे उतारो। मिलॉर्ड देखिए ना, वकील साहब बेकार की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। विभूति डोंट वक्त जाया। क्या बात है चंदा रानी जी, आज हम भी मैचिंग और आप भी मैचिंग, बोथ आर मैचिंग। हम भी सफेद और आप भी सफेद, लेकिन आपकी सफेदी में आप जो खूबसूरत लग रही हैं। हाय 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 हाय। लॉर्ड चंदा रानी तो हमेशा सफेद ही पहनती है। आज अगर हमने उनकी तारीफ कर दी तो तेरे बाप का क्या जा रहा है बे? चुपचाप खड़ा रहे, नहीं तो वो ही डांडू तेरे सर पे मारूंगा। मिलॉर्ड अब मैं चाहूंगा कि मिस रमोला को कटघरे में बुलाया जाए, जिन्होंने मेरे मौकिल मंत्री जी के ऊपर ये बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगाया है कि ये उनके नाजायज पिता हैं। इजाजत है? रमोला हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिलॉर्ड ये लड़की झूठ बोल रही है कि मंत्री जी इसके नाजायज पिता है, जबकि हमारे मंत्री जी का दिल गंगा की तरह पवित्र है, जमुना की तरह साफ है। कभी दिल्ली या आगरा गए हो? यस मिलॉर्ड। जमुना के पानी को देखा है? बहुत ही गंदा है। नाइस वन। हाँ थैंक यू थैंक यू। मिलॉर्ड अब मैं मिस रमोला से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। थैंक यू। मिस रमोला आप ये कैसे कह सकती हैं कि मेरे मौकिल मंत्री जी आपके नाजायज पिता हैं? ये सबूत है, ये फोटो उस वक्त का है जब मैं 8 साल की थी। ओके। ये मेरी मम्मी है। ओके। ये मंत्री जी और यहाँ मंत्री जी की गोद में मैं बैठी हूँ। बहुत क्यूट थी बच्चन में। एनीवे ये कोई सबूत नहीं हुआ, मंत्री जी एक सेलिब्रिटी हैं और उनके साथ कोई फोटो खिंचवा सकता है। ये केस आईने की तरह साफ है, ये लड़की रमोला झूठी है, ये फ्रॉड है, ये मंत्री जी के प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। आज से बहुत साल पहले इसकी माँ ने इसकी फोटो खिंचवाई थी मंत्री जी के साथ और ये उस बात का फायदा उठा रही है। मिलॉर्ड
मेरे पास मंत्री जी की एक फोटोग्राफ और भी है। फर्क इतना है कि इस फोटोग्राफ में मंत्री जी की गोद में बच्चा नहीं, कुत्ता है। अभी कुत्ता बोलेगा कि मंत्री जी मेरे बाप है। ये क्या बोल? ऑर्डर। मिलॉर्ड, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मेरे मौकिल पर लगे इल्जामों को खारिज किया जाए और इस लड़की रमोला को सख्त सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी भी देवता स्वरूप इंसान पर इल्जाम ना लगा सके। That's all, Your Honor. चंदा रानी जी कुछ फरमाइए ना। ये क्या फरमाएंगी, इनके पास फरमाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मिलॉर्ड, मुझे अदालत से थोड़ा वक्त चाहिए। All right. अदालत 2 घंटे की रिसेस देती है। But my lord, the court is adjourned for 2 hours only. चंदा जी, मुझे तो ये केस अपने हाथों से जाता दिख रहा है। फिक्र मत करो, भगवान पे भरोसा रखो ना। ये केस तो आप लड़ रही हैं, भगवान थोड़े ना लड़ रहे हैं। ओहो, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज, मुझे सोचने दो, शांति रखो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, वकील बना ना कोई। चंदा रानी, ये किताबें पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, केस तुम हार चुके हो। कोर्ट ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। फैसला भी सुना देगा, और मुझे तुम्हारी शिकस्त साफ साफ दिख रही है। इसका पहला सबूत यह है कि तुम मेरी पहली दलील से डर गई। शेरनी अगर पीछे जाने लगे ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो डर गई, बल्कि सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक लंबी छलांग लगाने वाली होती है। छलांग लगाने का इतना ही शौक है तो फिर ओलंपिक्स में जाओ ना। ये कानून का खेल क्यों खेल रही हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसके बस की बात है और किसके नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नाउ विल यू प्लीज? श्योर, आई विल। चलो मिंकी। सर, मैं पिंकी हूँ। तो मिंकी कौन है फिर? सर, मैं। तुम लोगों का क्या कंफ्यूजन है यार, तुम बोलो। चलो। मंत्री सुंदर लाल यादव हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मंत्री जी, जी क्या आप जानते हैं कि आपने किस चीज पर हाथ रख के कसम खाई है? गीता पर। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि क्या आप मिस्टर वर्मा, जो कि रमोला की माँ के हस्बैंड थे, उनके दोस्त थे? नहीं, मैंने तो वर्मा का नाम पहली बार सुना। मिलॉर्ड, मैं ना वर्मा को जानता हूँ ना इस लड़के को जानता हूँ। मेरा सिर्फ एक बेटा है। वो बेटा जो इस वक्त किसी लड़की को छेड़ने के जुर्म में जेल में सजा काट रहा है। मैंने ही उसे भेजा था चंदा रानी जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब मेरे अपोजिशन वालों की चाल है। इस लड़की को भी मेरे अपोजिशन वाले ने मैंने पीछे लगाया है। आप पर जो इतने सारे केस चल रहे हैं उसका क्या? ये अपोजिशन वालों की चाल है। आपके उस अंडरवर्ल्ड डॉन ताबूत भाई की जो कॉन्वर्सेशन पकड़ी गई फोन पर, उसके ये अपोजिशन वालों की चाल है। आपकी पत्नी जो प्रेग्नेंट है उसका क्या? ये अपोजिशन वालों की चाल है। नहीं नहीं यार, कैसे बेहुदा सवाल कर रही है आप? मेरी बीवी की प्रेगनेंसी से इस केस का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, और इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। हम उन्हें अदालत में बुलाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंदा रानी कानून की सभी हदें तोड़ रही है मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, लॉर्ड आप ही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाओ विभूति। नहीं तो अच्छा चंदा रानी जी, प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। अब मैं अदालत में एक ऐसी गवाह को बुलाना चाहती हूँ जो मंत्री जी की पोल खोलने के लिए अकेली ही काफी है। अंगूरी बाई मुजरे वाली। मुझे तेरे। अंगूरी बाई हाजिर हो। अरे छोलकर, तुम क्यों शर्माते हो? हाँ, तुम तो अक्सर हमारे गरीब खाने पर आते रहते हो। छोलकर, इसमें भी तेरा झोल है। आदाब जज साहब। दादा यहाँ पे नहीं। मैं इसके सर पे हाथ रख के कसम खाती। अरे उसको गीता दिखा ना, सर पे हाथ रखा तो गीता भूल गया। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती है कि जो भी कहेगी सच कहेगी, और सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। सारा सच मत कह देना, कुछ पेश कीजिए। दिल चीज क्या है? एक मिनट,
यहाँ गाना नहीं गाना है, ये कोर्ट है और वो जज है। तो क्या हुआ? अरे ये जज साहब तो हमारे पुराने आशिक हैं। क्यों जज साहब? पिछली बार जब आप हमारे गरीब खाने पर आए थे तो क्या नाचे थे। लिल्लाह, कानून को पहली बार ऐसे नाचते हुए देखा था। अच्छा वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम सुंदर यादव जी को जानती हो क्या? ये मुर्गी चोर, इसे क्यों नहीं पहचानूंगी मैं? ये कमबख्त रोज सुबह सुबह आकर मेरे गरीब खाने पर बैठ जाया करता था और हजारों रुपए लुटाता था मेरे लड़कियों पर। अरे तो फिर इसे इन्हें चोर क्यों कह रही हो? क्योंकि सारे के सारे नोट जाली होते थे। नहीं नहीं नहीं, उस बंडल में 500 के नोट असली होते थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मंत्री जी मुद्रा देखने जाते थे। हाय हाय, क्या घेर लिया है चंदा रानी। थैंक यू अंगूरी बाई, आप जा सकती हैं। जज साहब आइएगा कभी? तकलिया तकलिया, तो जाओ। That's all, my lord. It's okay. Hey, Vibhuti, कुछ बोलना है या फिर फैसला सुना दूं? जज साहब, मेरे सिरे में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। जज साहब ठीक है, कानून तुम्हें 3 मिनट की मोहलत देती है। जज साहब ये कोई कोल्ड कॉफ नहीं है, ये चेस्ट पेन है। आप मुझे और टाइम दीजिए जज साहब। आई मीन मोर टाइम जज साहब। अदालत 3 दिनों के लिए मुतलबी की जाती है। लॉर्ड मुतलबी, वो लोग समझ गए ना, तेरे बाप का क्या जाता है। अरे अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर अदालत में जाके झाड़ू लगाओ। देखो टाइम क्या हो गया, जज साहब के आने का टाइम हो गया। चलो जल्दी जल्दी। इतनी जल्दी भी क्या है मुनमुन? देखो तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, तुम्हें सजा होगी। हाँ तो बंद कर दो ना हमेशा के लिए अपने दिल की जेल में। हमेशा के लिए जेल जाना पसंद करोगे? माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, देखिए ना ये झोलकर मेरे को हमेशा छेड़ता रहता है। हाँ क्या जमाना आ गया है, कानून ही कानून को अपने हाथ से ले रहा है। मिलोज आपका हाथ क्या हो गया मेरे हाथ को? इधर भी है। ओ सॉरी सॉरी, नॉटी बॉय बॉय। हाउ दैट मनीष, आ उड़ी तेरी। माननीय न्यायाधीश, सबको मालूम है, सबको मालूम है न्यायाधीश। बैठो, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। हाँ तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपना आखिरी दाव खेलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्ले माय लास्ट कार्ड। अरे खेलो ना, जो खेलना है जल्दी से खेलो। मिलॉर्ड, इस फोटो को गौर से देखिए। अरे ये तो मेरी है। यस मिलॉर्ड, लेकिन आपके साथ एक औरत भी खड़ी है और आपकी गोद में एक मासूम क्यूट सा बच्चा भी है, 5 साल का। अरे ये तो गंगूबाई, मेरी काम वाली भाई, और ये उसका बेटा है। ये गंगूबाई चाहती थी कि उसकी बेटी की तस्वीर जो है एक बड़े जज के साथ खींची जाए, तो आई ऑब्लाइज्ड। वैसे ये फोटो बहुत पुरानी है, तुम्हारे पास कैसे आई? मिलॉर्ड, वो काम वाली बाई नहीं है, वो मेरी माँ है। और जो आपकी गोद में बच्चा है ना, 5 साल का क्यूट सा मासूम सा, वो मैं हूँ मिलॉर्ड। नहीं, आप है मेरे नाजायज बाप। देखो विभूति, ये फोटो जो है वो सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि इस फोटो से ये साबित नहीं होता है कि तुम मेरे बेटे हो। इसी तरह उस फोटो से ये भी साबित नहीं होता कि रमोला मंत्री जी की बेटी है। मिलॉर्ड, ये केस आईने की तरह साफ है, मेरे क्लाइंट सुंदरलाल यादव निर्दोष है, बेगुनाह है। मेरी गुजारिश है कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए और लड़की को सख्त सख्त सजा दी जाए। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। चंदा रानी जी, आई थिंक ही इज राइट, आप केस शायद हार जाएंगे, इसलिए प्लीज कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। आई नीड सम टाइम माय लॉर्ड। 10 साल? नहीं, मैं 2 घंटे से काम चला लूंगी। All right, the court is adjourned for 2 hours. Milord, this is Milord. Case to aane ki tarah saaf hai. Hello, hello, Milord. Chanda ji, मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ मैं तो अपनी जान ही दे दूंगी। पागल मत बनो, भरोसा रखो,
जीत हमेशा सच्चाई की होती है। एक्सक्यूज मी चंदा रानी जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? सर आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। वेल कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस। कानून की देवी को भक्त सामने से बुलाया नहीं करते, बल्कि उसके दर्शन लेने के लिए भक्त खुद उनके पास जाया करते हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूँ, क्योंकि आज ना चाहते हुए भी मुझे आपके खिलाफ फैसला सुनाना पड़ेगा। लेकिन मैं चंदा रानी जी अपने आदर्श, अपने उसूलों को तोड़ने के लिए तैयार हूँ, और आपको चिताने के लिए भी तैयार हूँ अगर आप चाहें तो। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। I knew it. You have the spirit. I knew it. good. Thank you, sir. मुझे इसी केस के सिलसिले में एक बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। Thank you very much. ओफो, कब तक ये कानून इस कानून पे बिजलियाँ गिराता रहेगा? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मंत्री सुंदर लाल यादव हाजिर हो। मिलॉर्ड, मेरा सबूत है रमोला की माँ, जो कि मर चुकी है, उसकी आत्मा, और इस वक्त वो आत्मा इस अदालत में मौजूद है। ये क्या 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 कह रही हैं आप? मिलॉर्ड, ये किस तरह का मजाक? हमें तो यहाँ कोई आत्मा नहीं दिखाई दे रही, कोई आत्मा नहीं दिखाई दे रही। तुम तो वकीलों में मंत्री हो, मुझे भी नहीं दिखाई देती। वो छिछोरे लोगों को नहीं दिखती है। मुझे दिखाई है, मुझे दिखाई है। मिलॉर्ड कहाँ दिख रही है? मुझे डर लग रहा मिलॉर्ड। चुप रहे इडियट। चंदा रानी जी ने कह दिया दिख रही है, यानी दिख रही है। गो अहेड चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, रमोला की माँ की आत्मा मेरे जरिए आप सबको अदालत में कुछ बताना चाहती। सच्चाई पेश की जाए। मैं हूँ बेटे वर्मा, पहचाना मुझे? पहचाना? ये अम्मी जो यहाँ पे आज मंत्री बना खड़ा है, इसने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ये सब क्या नाटक है? नाटक तो तू कर रहा है, तूने मेरे साथ नाटक किया, याद नहीं कॉलेज के दिनों में क्या किया था तूने मेरे साथ? प्यार का नाटक किया था, और फिर मेरे पति के मरने के बाद तूने क्या कहा था? शादी करेगा मुझसे। मैं तेरे बहकावे में आ गई, और फिर एक दिन कोल्ड ड्रिंक में तूने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी, और फिर बताओ तूने क्या किया मेरे साथ? नहीं, कोल्ड ड्रिंक में नहीं, दूध में मिलाकर पिलाई थी। कोल्ड ड्रिंक तुम कहाँ पीती थी सुरेखा? उत्तरी। That's all, my lord. मंत्री जी ने खुद इस बात को मान लिया है कि उन्होंने बेहोशी की दवा पिलाई। लेकिन वो आत्मा कहाँ चली गई चंदा रानी जी? आत्मा थी ही नहीं मिलॉर्ड, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी। वाह! ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है? आपको तो भास्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और ये कोर्ट है, कोई अवार्ड फंक्शन नहीं, फैसला सुनाइए, फैसला। मुझे मालूम है। हाँ तो अदालत सुंदरलाल यादव को ये हुक्म देती है कि अपनी जायदाद का आधा हिस्सा रमोला जी के नाम पे कर ले, वरना उन्हें 8 साल की सख्त सजा मिलेगी। शदाब बाखुमत बट। मिलॉर्ड कह दे बामुशक्कत। अब कह दे बामुशक्कत टू हैंग टिल डेथ। टूट गई। थैंक यू चंदा जी, आप महान हैं, आपने मुझे मेरा हक दिला दिया। थैंक यू सो मच। अरे मैं महान नहीं, मैं एक मामूली इंसान हूँ और कुछ नहीं। महान तो ये हैं वकील साहब, और उनसे भी महान मंत्री जी। और कितना शर्मिंदा करेगी आप? अब बता दीजिए चंदा रानी, इतनी बारीक बातें जो मेरे और सुरेखा के बीच हुई थी, वो सब आपको कैसे पता चल गई? इस डायरी को पहचानते हैं? ये मिसेस वर्मा की पर्सनल डायरी है जो रमोला के घर मिली। चंदा रानी, ये केस तो तुम जीत गई, देखता हूँ अगला केस कैसे जीतती हो। ये क्या, मैं हर केस जीतूंगी और जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें हराऊंगी। तुम्हारे साथ जो 7 साल मैंने घुट घुट के गुजारे हैं ना, उसे एक एक पल का हिसाब किताब मैं पूरा करूंगी कानून के जरिए। कानून इतना अंधा नहीं है कि तुम्हारी चालाकी न समझ सके। ये अंधा कानून नहीं है, चंदा कानून है।